पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा ही बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मकता, रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए। यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी, यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है, और यही तो किया है। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। एक ओर यह कार्य, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य पूरी मजबूती के साथ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ओर जहां युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी का एक उदाहरण है, वह कार्यक्रम भी अनेक प्रकार से उपयोगी साबित होने जा रहा है और फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक माध्यम बनने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत का यह जुड़ाव उसी सपने को साकार करने के लिए है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था।